दीपक सर जी के में आप लोगों का स्वागत है। मैं दीपक चौधरी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो कि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का एनालिसिस लेके आया हूँ जो कि आपको प्रश्न पत्र जो है सेट एच का है। तो इसका एनालिसिस हम लोग करते हैं और इसका आंसर की जानने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग चलते हैं। मैंने इस पेपर को पढ़ा नहीं है इसलिए जो आंसर आएगा मैं तत्काल में दूंगा, जो नहीं आएगा उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक दूसरे का हेल्प कीजिएगा, ठीक है। चलते हम लोग एनालिसिस पर। मानव विकास सूचकांक में भारत को निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो केरल की कोटि उच्चतम है। किसका? केरल की कोटि उच्चतम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो किसका? ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक की जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है? तो भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है? तो कौन रेशेदार फसल है? तो इसमें आसान है, कपास जो आपको रेशेदार फसल है। कौन है? कपास रेशेदार फसल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हरित क्रांति संबंधित है किससे? हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, हरित क्रांति से संबंधित इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो भारतीय कृषि की समस्या जो है आपको निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत और अनियमित मानसून, यही पूरा मतलब ये तीनों इसका समस्या है। तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो कौन सा आपको बताइए नगरीय बस्ती? तो सिंधु घाटी है। कौन है? सिंधु घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा कुंड परियोजना स्थित है किस राज्य में? तो हीरा कुंड परियोजना किस राज्य में है? तो इसका आंसर में डाउट है इसलिए मैं इसका डाउट में रखूंगा। वैसे मुझे जो लग रहा है हीरा कुंड जो है आपको मध्य प्रदेश के आसपास है, लेकिन डाउट है, इसको क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी कौन है बताइए? निम्नलिखित में से सबसे छोटी बेसिन कौन सा है बताइए इसका आंसर? तो सबसे छोटी बेसिन जो है ताप्ती बेसिन है। कौन है? ताप्ती बेसिन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये सभी हो जाएगा जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी कहाँ? तारापुर में। कहाँ किया गया था? तारापुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्थलबंध प्रोतप्रशा है? तो इस कौन होगा? विशाखापट्टनम। इसका आंसर हो जाएगा आपको विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र का कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि? क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि मुंबई एक पतन था, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, यह कपास का उत्पादन के क्षेत्र के निकट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है? बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बालघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन भूगोल का उपागम नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति जो है आपको इसका उत्पात्मक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है। ये था आपका एनालिसिस। और देखते हैं, और क्वेश्चन है उसको भी कर लिए लेते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? तो रोपण फसल आपको चाय है। नेक्स्ट है रबर किस प्रकार की कृषि है? तो रबर आपको किस प्रकार की कृषि है बताइए? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है बताइए? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है
तुतकोरिन पतन किस स्थित कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण है। क्या है? वायु प्रदूषण। नेक्स्ट है 33 नंबर, निम्नलिखित में कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? विश्वविद्यालय शिक्षक, विश्वविद्यालय शिक्षक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट और लास्ट है ये, जो निम्नलिखित जनसंख्या में कौन सा जनसंख्या कार्यशील वर्ग कोमनपात है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 15 से 59। नेक्स्ट है आपको, जो निम्नलिखित में से देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो लैटविया का। कहाँ? लैटविया का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है? कौन है बताइए? डी नंबर क्वेश्चन का होगा डी आंसर, गुण में ऋण धनात्मक परिवर्तन। ठीक है, ये था आप लोग का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।